हेलो एंड नमस्ते टू एवरीवन, आई एम नेहा। तो इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, हमने अब तक पढ़ लिया क्या, बेल का आधे से ज़्यादा चीज़ें कवर कर ली। बेल में हमने पढ़ लिया कि बेल बेलेबल ऑफेंस में कैसे हो सकती है, बेल नॉन बेलेबल ऑफेंस में कैसे हो सकती है, बेल है क्या, बेल क्यों है, अरेस्ट क्यों है, ये सब कुछ हमने डील कर लिया। और लास्ट वीडियो में हमने एंटिसिपेटरी बेल भी पढ़ा। तो इस वीडियो के लिए अब क्या बचा है, अब बचा है कि बेल के बाद की जो चीज़ें होती हैं, मतलब कि हमने पढ़ा कि बेल जब होती है तो क्या कोर्ट क्या साइन करवाती है सामने वाले से, बेल बॉन्ड, ठीक है, जिसके लिए उसको श्योरिटी भी देना पड़ता है या अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ दिया हुआ, 440 से लेके 450 तक। तो आइए समझते हैं सेक्शन 440 क्या बात करता है। सेक्शन 440 CRPC का बोलता है अमाउंट ऑफ बॉन्ड शुड नॉट बी एक्सेसिव, मतलब जो बॉन्ड साइन करवाया जाता है, ठीक है, तो वो एक्सेसिव अमाउंट नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा अमाउंट ना हो कि सामने वाले की औकात ही नहीं हो कि वो उतने पैसे जमा कर सके, ठीक है। औकात थोड़ा देसी वर्ड हो गया, मतलब कि सामने वाले की कैपेसिटी नहीं है कि वो कोर्ट में इतने पैसे जमा करवा सकता है। तो अगर अक्यूज चाहे तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है इस चीज़ के लिए कि मेरा जो ये बॉन्ड का अमाउंट है इसको मॉडिफाई किया जाए। मेरी ये एप्लीकेशन कहाँ लगाएगा, वो हाई कोर्ट या कोर्ट ऑफ सेशन जो है इस पे क्या कर सकती है, मॉडिफिकेशन दे सकती है, ठीक है। अब सेक्शन 441 बात करता है किस चीज की, बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज। श्योरिटीज कौन हो गई, जो श्योरिटी मतलब कोई तीसरा बंदा आके सामने वाले की श्योरिटी लेता है, ठीक है, तो उनसे भी बॉन्ड साइन करवाया जाता है। तो सेक्शन 441 क्या बात करता है, बॉन्ड ऑफ अक्यूज्ड एंड श्योरिटीज के रिलेटेड कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स को देता है। अब वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, हम वो पढ़ चुके हैं इनडायरेक्टली, अब हम पढ़ते हैं कि क्या है कि अगर बॉन्ड साइन किया अक्यूज ने तो जो कोर्ट ने उस पर कंडीशंस लगाई हैं कि आपको जब जब कोर्ट में बुलाया जाएगा आपको आना पड़ेगा, अटेंड करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात हो गई कि कंप्लायंस, मतलब आप पे जो कंडीशंस लगाई गई हैं आपको उसको निभाना पड़ेगा। यू आर ऑब्लाइज्ड टू फॉलो ऑल द कंडीशंस व्हिच हैव बीन इम्पोज्ड ऑन यू, ठीक है, एक बात हो गई ये। और जो श्योरिटी होता है, ठीक है, अब श्योरिटी के रिगार्ड क्या बात की है इस सेक्शन में, कि जो श्योरिटी आप ले आ रहे हो श्योरिटी फिट होना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो मेंटली इनकेपेबल है या किसी भी तरीके से वो एबल नहीं है आपकी श्योरिटी लेने के लिए, ठीक है। सेक्शन 441 बात करता है क्या, डिक्लेरेशन बाय श्योरिटी, मतलब कि श्योरिटी जो है एफिडेविट के थ्रू या किसी भी चीज़ के थ्रू लीगली कोर्ट को क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा कि हाँ मैं इस केस में श्योरिटी बनना चाहता हूँ, मेरी विल है। और उसे ये भी डिटेल देनी पड़ेगी कि वो कितने मैटर्स हैं जिसमें कि वो श्योरिटी रह चुका है, प्रेजेंटली कितने मैटर्स में एज अ श्योरिटी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं श्योरिटी को डिक्लेयर करनी पड़ेगी अंडर सेक्शन 441A ऑफ CRPC। अब अगली बात आते हैं सेक्शन 442। तो 442 बात करता है डिस्चार्ज फ्रॉम कस्टडी, तो किसका डिस्चार्ज, ठीक है, मतलब कि जो अक्यूज्ड है उसने बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट हो गया, तो अगर बेल बॉन्ड एग्जीक्यूट हो गया तो वो क्या होगा, फिर वो डिस्चार्ज किया जाएगा ना कस्टडी से, मतलब अगर जेल में है या कस्टडी में है तो उसको वहां से निकाल दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो वो बात करता है सेक्शन 442। अब ये कहता है कि जब तक बॉन्ड एग्जीक्यूट नहीं होगा, बॉन्ड एक बार एग्जीक्यूट हो गया, ठीक है, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई, तो सामने वाले बंदे को क्या कर दिया जाएगा, डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। सेक्शन 443 कहता है कि जो बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, बॉन्ड जो साइन करवाया गया है, बॉन्ड लिया गया है बेल बॉन्ड, तो वो सफिशियंट नहीं है अपने आप में, तो आप उसके बदले क्या ला सकते हैं, श्योरिटी ला सकते हैं, ठीक है। तो श्योरिटी ला दी तब तो ठीक है, आप बच जाएंगे। अगर आपने श्योरिटी नहीं लाया किसी को, है ना, अगर कोई श्योरिटी नहीं आया आपके केस में तो फिर आपको जेल हो सकती है। अगर आप लाते हैं श्योरिटी तो आपको बेल पे रिलीज कर दिया जाएगा। बात करता है सेक्शन 444, ये बोलता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, मतलब श्योरिटी का भी डिस्चार्ज होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई श्योरिटी है, ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैं इस केस में श्योरिटी अपनी विल से नहीं बनना चाहता हूँ, ठीक है, तो वो कोर्ट में एप्लीकेशन लगा सकता है, ठीक है, कोर्ट उसको क्या कर देगी, फिर डिस्चार्ज कर देगी कि जाइए आपको श्योरिटी इस केस में नहीं रहना है, ठीक है। तो वो हो गया कौन, पुराना श्योरिटी, ओल्ड श्योरिटी। अब ओल्ड चला गया तो मतलब क्या हो गया कि आपको नया श्योरिटी तो लाना पड़ेगा ना, तो अगर आप नया श्योरिटी लाए कोर्ट में, ठीक है, तब तो आप बच जाएंगे, आपकी बेल हो जाएगी और आप छूट जाएंगे। लेकिन अगर आप श्योरिटी केस कोर्ट में नहीं लाते हैं तो फिर आप कहाँ जाएंगे, फिर सलाखों के पीछे, ठीक है, फिर आपको जेल हो सकती है। अब सेक्शन 440 बात करता है
कॉस्ट इन लियू ऑफ श्योरिटी, मतलब श्योरिटी नहीं ला पा रहे हो तो जो कोर्ट अमाउंट आपके ऊपर इम्पोज कर रही है तो वो आप अमाउंट कोर्ट में जमा करवाओ, ठीक है, डिपॉजिट कराओ। सेक्शन 446 बात करता है फोर फीचर ऑफ बॉन्ड, मतलब फोर फीचर ऑफ बॉन्ड मतलब यहाँ पे पेनल्टी लग सकती है। पेनल्टी एज रिगार्ड टू व्हाट, कि मतलब अगर बॉन्ड, बेल बॉन्ड जो साइन किया है अगर कोई बंदा ब्रीच करता है, ठीक है, तो उसे 6 महीने तक की सिविल इम्प्रिजनमेंट हो सकती है, ठीक है। तो ये हो गया फोर फीचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है। सेक्शन 446A बात करता है कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड। ये सेक्शन कई बार एग्जाम्स में भी पूछा जाता है और प्रैक्टिस के भी पर्पज से ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 446A, जिसके थ्रू बॉन्ड और बेल बॉन्ड कोर्ट जो है कैंसिल कर सकती है। कब कैंसिलेशन होगा? जब बॉन्ड फॉरफिट हो गया, ठीक है। सेक्शन 447 बात करता है कि अगर कोई श्योरिटी, जो श्योरिटी है केस में, वो इनसॉल्वेंट हो गया है, ठीक है, मतलब वो दिवालिया हो गया है, वो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी नहीं है, ठीक है, या फिर मर जाता है, तो फिर क्या होगा? तब कुछ नहीं, आपको अगर वो चला गया तो वो वैसा ही हो गया ना, पुराना श्योरिटी, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से नया श्योरिटी लाना पड़ेगा, फ्रेश श्योरिटी लाना पड़ेगा। और यहाँ पे पावर किसके पास दी है? JM1 के पास, दैट इज जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास ये पावर है, ठीक है। अब सेक्शन 448 बात करता है क्या, कि बॉन्ड फ्रॉम माइनर, मतलब माइनर से भी बॉन्ड लिया जा सकता है, ठीक है। सेक्शन 449 बात करता है अपील फ्रॉम ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 446। हमने जो सेक्शन 446 पढ़ा था, जो कि बात करता है फोर फीचर ऑफ बॉन्ड, ठीक है, तो इससे जो ऑर्डर पास होता है इस पे अपील हो सकती है, और अपील कहाँ होगी? सेक्शन 449 ऑफ CRPC, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है इम्पोर्टेंट प्रोविजन सेक्शन 450, जो कि बात करता है कि अगर कोई अमाउंट ड्यू रह गया है, ठीक है, डिपॉजिट या किसी भी तरीके का अमाउंट जो है ड्यू रह गया है, तो कोर्ट क्या कर सकती है? रिकॉग्निजेंस ले सकती है, मतलब फिर से उस बात को उठा सकती है और वो अमाउंट की जो भरपाई है वो अपने तरीके से करवा सकती है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि कोर्ट में एक्चुअल कैसे कैसे प्रोसीजर चलता है इस चीज़ का, ठीक है। और अगर कोई जुडिशरी का एग्जाम दे रहा है और वो ये वीडियो देख रहा है, तो इसमें से 3-4 क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में, स्टेट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेक्शन 440 थोड़ा सा, ठीक है, और सेक्शन 445 कई बार पूछा जाता है, सेक्शन 446A, ठीक है। तो ये 3-4 और 448A, ये 3-4 सेक्शंस हैं जो कई बार प्रिलिमिनरी एग्जाम्स, जो जुडिशरी के, स्टेट के एग्जाम होते हैं, तो उसमें कई बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते रहे। तो थैंक यू सो मच, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जितने भी लीगल अपडेट्स आएँ, जितने भी इंपॉर्टेंट जुडिशरी एस्पेक्ट से या जनरल लॉ या फिर करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आएँ, आपको टाइम पर मिल जाए। थैंक यू सो मच।